आज हम करने जा रहे हैं एक एग लवर्स की डिश जो बहुत ही टेस्टी एंड इंटरेस्टिंग है. क्या है? एग बटर गार्लिक. तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी. बटर गार्लिक एग्स बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 6 अंडे, 2 अंडों को अच्छे से फेंटेंगे. फोक को अगर आप ऐसे एक ही डायरेक्शन में चलाते रहेंगे तो ये बहुत बढ़िया बीट होंगे. अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 शॉट ग्लास दूध. मिल्क ऐड करने से एग्स बहुत बढ़िया टेक्सचर और फ्लेवर आता है. ये टिप ट्राई करके देखना. इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा सॉल्ट, फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च जिसका फ्लेवर बहुत ही अमेजिंग आता है. एज इट्स गार्लिक बटर सो 1 स्पून ऑफ चिली फ्लेक्स एंड 1 स्पून ऑफ चॉप्ड गार्लिक. क्योंकि गार्लिक बेस है ये डिश तो इसमें गार्लिक का फ्लेवर तो बहुत बढ़िया आना ही चाहिए. एग्स को स्क्रैम्बल कर लेते हैं. पहले मैंने डाले हैं 2 क्यूब ऑफ बटर, 1 टीस्पून ऑफ ऑयल. कभी भी बटर अकेले मत पकाइए पैन में, थोड़ा सा ऑयल ऐड कीजिए. इससे आपका जो बटर है वो जलेगा नहीं. बटर को मेल्ट कर दीजिए. अब एग्स को ऐड करते हैं. कुक देम स्लोली ऑन द मीडियम फ्लेम. मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे और इसे थोड़ा हल्का सॉफ्ट और मशी रखेंगे. आपको फुली एग को नहीं पकाना है. इसको 2 मिनट तक पकाएंगे और उसके बाद इसको निकाल लेते हैं प्लेट में. अब इसमें हम बना रहे हैं एक बटर गार्लिक सॉस. इसमें मैंने लिया है बटर, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल. इसमें हम ऐड करेंगे 3 चम्मच चॉप किया हुआ गार्लिक और इसको पकाएंगे. अब मैं ऐड करूंगी 1/2 चम्मच मैदा. आप मैदा या कॉर्नफ्लावर कुछ भी ले सकते हैं. इसको स्लो पे कीजिए फ्लेम को. अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/4 स्पून ब्लैक पेपर, 1/4 स्पून सॉल्ट, थोड़े से चिली फ्लेक्स, ऑरिगैनो. बस अगर ऑरिगैनो चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप पिज्ज़ा सीजनिंग भी ऐड कर सकते हैं. अब इसमें मैं डालूंगी 2 शॉट ग्लास मिल्क, मीन्स 1/4 कप, और इसको 1 मिनट तक पका लेंगे. इंटरेस्टिंग ब्रेकफास्ट डिश. हमारी क्रीमी बटरी सॉस बिल्कुल रेडी है. अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं एग्स जो हमने बनाए थे. लग रहे हैं ना बढ़िया टेस्टी बटरी. इट हैज़ अ फ्लेवर ऑफ गार्लिक. तब बढ़िया गार्लिक फ्लेवर है इसमें. इसको हम सर्व करेंगे एक गार्लिक टोस्टी के साथ. वो भी बताती हूँ कैसे बनाना है. इसमें मैं ऐड करूँगी बटर. अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच गार्लिक चॉप किया हुआ. इसको 1/2 मिनट तक पकाएंगे. अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर, बहुत थोड़ा सा सॉल्ट. इसमें हमने ऐड किया है ऑरिगैनो, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स. अब हमने लिया है टोस्ट. इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे. कितना बढ़िया हमारे गार्लिक टोस्टी भी तैयार हो गए हैं. इनको करेंगे हम अपने बटर गार्लिक एग के साथ सर्व. बटर गार्लिक एग सर्व करते हैं हम. करेंगे फ्रेश पार्सले से. अगर पार्सले नहीं है तो आप धनिया भी ले सकते हैं. टोस्टी लीजिए. टेक द बटर गार्लिक एग्स जो बहुत ही मशी एंड सॉफ्ट हैं. हमारी टोस्टी एकदम क्रिस्प है विद अ फ्लेवर ऑफ बर्न्ट गार्लिक. एंड हैव अ बाइट ऑफ इट. वाओ, हमारी डिश बटर गार्लिक एग विद गार्लिक टोस्टी बनके तैयार है. अगर आपको ये डिश अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कैसी लगी. और कोई भी क्वेरी है तो मुझे मैसेज कीजिए मेरे इंस्टाग्राम हैंडल priyanka_bhatia. ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी है. एंजॉय.